नमस्कार दोस्तों, रविकांत टेक एडवाइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि आप भी अगर गूगल पे यूज़र हैं तो इसमें आप मोबाइल रिचार्ज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप किसी भी कंपनी की सिम यूज़ करते हो उसको आप रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे कि किसी और का भी आप रिचार्ज करना चाहते हैं जो भी कंपनी का वो यूज़ करते हो तो दूसरों का भी रिचार्ज कर सकते हैं, खुद का भी रिचार्ज कर सकते हैं बिना किसी शॉप में जाए। जैसे पर दोस्तों आपको गूगल पे पर क्लिक करना है। जैसे ही गूगल पे पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आपको निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी कंपनी जो है वो रिचार्ज कंपनी या जैसे आइडिया, एयरटेल, ये सब। तो इस पर आपको नहीं जाना है दोस्तों। यहाँ पर आपको मैं सिंपली इस तरह से स्क्रॉल करेंगे तो प्लस और न्यू पेमेंट जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो दूसरा ऑप्शन आएगा। देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आया है दोस्तों। तो यहाँ पर आप मोबाइल रिचार्ज या बिल पेमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मोबाइल रिचार्ज में आप किसी भी कंपनी की यूज़ करते हो तो मोबाइल रिचार्ज पर आपको जाना है, और यहाँ पर बिल पेमेंट अगर करना है तो इसके द्वारा बिल पेमेंट भी आप कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों उदाहरण के तौर पर गैस पेमेंट हो गया या बिजली का बिल हो गया, इसे आप पे कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं दोस्तों यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज के बारे में बता रहा हूँ। तो आप मोबाइल रिचार्ज पर जाएंगे तो मोबाइल रिचार्ज पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ढेर सारे जितने भी मोबाइल कंपनी हैं वो सारे लोगों के साथ में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। सिम यूज़ करते हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो फिलहाल मैं दोस्तों एयरटेल का यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो एयरटेल की जो लोगों के साथ में एयरटेल प्रीपेड जो लिखा हुआ है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों इसमें पहले भी मैंने रिचार्ज किया हुआ है इसलिए इस तरह का ऑप्शन आ रहा है जो कि 10 रुपये के यहाँ पर बता रहा है। और नीचे देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी प्लान्स हैं वो शो हो रहे हैं, लेकिन हमें इस चीज़ को आपको यहाँ पर नहीं करनी है। बल्कि यहाँ पर जो नीचे में यहाँ पर थोड़ा सा एक सिंबल दिखाई दे रहा है इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जितने भी सिम पहले आपने रिचार्ज किया होगा तो वो शो करने लगेगी। तो यहाँ पर नया आप किसी और का करना चाहते हैं जो कि न्यू हो, यहाँ पर जो रिचार्ज पहले नहीं किया हो, तो उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में लिंक मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आप उस नंबर को टाइप कर लेंगे तो यहाँ पर उस नंबर को आपको टाइप कर लेना है। इस तरह के उस नंबर को टाइप कर लेंगे जिस नंबर को आप रिचार्ज करना चाहते हैं। तो फिर यहाँ पर जो सिंबल है नीचे में आप देख सकते हैं इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उस नंबर के यहाँ पर पूरा शो होने लगेगा प्लान्स। तो यहाँ पर आप जिस भी प्लान को रिचार्ज करना चाहते हैं उस प्लान को यहाँ पर देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर दोस्तों मैं 149 का करना चाहता हूं तो ये प्लान सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे ही प्लान सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाता है। अब इसको सिंपली आप रिचार्ज कर सकते हैं जो कि आपके अकाउंट से ये कट जाएगी। तो यहां पर प्रोसीड टू पे लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड टू पे पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो टर्न ऑन लिखा हुआ है, इसको आपको ओके कर देना है। ओके करेंगे तो इस तरह के प्रोसेसिंग आपको ऑप्शन होने लगेगी। तो ये प्रोसेसिंग ऑप्शन होने के बाद में गूगल पे का जो पिन कोड है, सिक्योरिटी कोड है, उसको यहाँ पर आपको डालना है। और ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो रिचार्ज किया हुआ है वो सक्सेसफुली आपका जिस नंबर पर आपने रिचार्ज करना चाहते हैं उस पर रिचार्ज हो जाएगी है। यहाँ पर सिर्फ कोड डालने की देरी है, उसके बाद में यहाँ पर रिचार्ज हो जाती है। तो यहाँ पर मैं इस कोड को नहीं डालता हूँ बल्कि यहाँ पर से बैक कर लेता हूँ, और बैक करके मैं यहाँ पर चले जाता हूँ। और हमेशा ध्यान में रखें दोस्तों कि अपना प्लान जरूर चेक कर लें, क्योंकि प्लान नहीं देखने के कारण में गलत प्लान को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उससे हमारी गलती हो सकती है और दूसरा प्लान रिचार्ज हो जाता है। फिर दोस्तों आप कहते हैं कि मैसेज नहीं आई हमारे पास और कंफर्मेशन नहीं आई, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों यह वीडियो में बस इतना ही। यह जानकारी आपको अच्छी लगी या गूगल पे आप यूज़ करते हैं और आपको ये सिस्टम आपको पता नहीं था तो आप ज़रूर इस कमेंट पे ज़रूर बताएं। और हमारी वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करें, और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हम लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, आप देखें सबसे पहले। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।